इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक थ्योरेटिकल, ठीक है, सेक्शन होता है, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है भाई, किस तरह से बनता है। आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जितना इंटरेक्शन, जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल में लग रहा है, अगर उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल में लगे और उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल में लगे, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं भाई, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जितना इंटरमॉलिकुलर फोर्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में है, उतना ही इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में हो और उतना ही इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में हो भाई, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलने वाले हैं भाई, आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ, ठीक है। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड का मतलब यहां पर क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर आता है वो किसके बराबर आता है भाई, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, जिसे आप कैलकुलेट करते हो राउल्ट्स लॉ से। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर कि यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, यहां पर जो हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो कितना है भाई, यहां पर जीरो है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर कि यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, यहां पर जो वॉल्यूम का मिक्सिंग है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है भाई, बराबर होता है, तो यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो के बराबर आता है, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, तो वॉल्यूम चेंज कितना होता है भाई, यहां पर जीरो आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटली करके हम बॉइलिंग पॉइंट निकालने वाले हैं और कैलकुलेट करने वाले हैं भाई आगे जाकर, वो दोनों क्या आने वाले हैं भाई, बराबर आने वाले हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इस बार MCQs आने वाले हैं और MCQ में एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि चार एग्जाम्पल दे देगा और आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है भाई, या फिर ऐसा बोल देगा कि जो इंट्रैक्शन है वो बराबर किस में होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के केस में, राइट। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ठीक है, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। सॉल्यूशन ऑफ टोलुइन एंड बेंजीन भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। आपके एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल हैं और आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में बस इतनी सी चीजें जो हैं वो हमें याद रखनी है भाई, ठीक है, याद क्या, वो तो याद हो जाएंगी, ठीक है, उसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है भाई, जीरो है, राइट। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बराबर है और तीन एग्जांपल्स, इतना सा है आइडियल सॉल्यूशन। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है भाई, पहला है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सेकंड इज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। राउल्ट लॉ से हम क्या कैलकुलेट करते थे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है, राउल्ट लॉ से ज्यादा आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन। और राउल्ट लॉ से कम आता है कैलकुलेटेड से, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। किस तरह से बनते हैं थोड़ा देखते हैं। व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, राइट। जितना इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल में लग रहा है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में लग रहा है, उससे अगर कम इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल में लगेगा, तो हमारा पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाला सॉल्यूशन बनने वाला है भाई। नेगेटिव डिविएशन कब बनने वाला है, व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, जितना इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट में लग रहा है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट में लग रहा है, उससे अगर ज्यादा इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लगेगा, तो हमारा नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ वाला सॉल्यूशन बनने वाला है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं चलिए देखते हैं भाई। पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, यहां पर क्या हो रहा है थोड़ा सा अगर समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार, याद नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को याद नहीं करना है यार, दिमाग लगाना है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन जो है वो क्या है भाई, कम है, तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है भाई, ज्यादा आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेटेड से क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन जो लग रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में, वो क्या लग रहा है भाई, ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है भाई, वेपर कम बनाएगा, नॉर्मल सी बात है, वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है भाई, कम आने वाला है। तो यहां पर पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ। यहां पर पहली कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ। ऑब्जर्व का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व का मतलब क्या है यहां पर, एक्सपेरिमेंटल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है। जब ये सॉल्यूशन बना होगा तो आपने एनर्जी दी होगी, एनर्जी निकली नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है, पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अनस्टेबल बन रहा है, तो आप एनर्जी दोगे भाई, अपने आप नहीं जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होने वाला है भाई, ग्रेटर देन जीरो, डेट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होने वाला है भाई, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो एनर्जी क्या होने वाली है भाई, निकलने वाली है, और एनर्जी निकलने वाली है, ठीक है। क्यों निकलने वाली है, थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, फोर्स जो लग रही है, इंट्रैक्शन जो लग रहा है वो ज्यादा लग रही है, ज्यादा लग रही है मतलब स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी क्या करेगा भाई, रिलीज करेगा, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल बनता है, पूरी केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होने वाला है भाई, लेस देन जीरो, दैट इज एक्सोथर्मिक होने वाला है भाई ये। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है यहां पर, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है भाई, यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो क्या आता है, ज्यादा आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो क्या आता है भाई, लेस देन जीरो, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, कम होता है, किसके वॉल्यूम से, सॉल्यूट के वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। नेक्स्ट, यहां पर ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
इसका विशेष ध्यान रखना है यार, हम गलती करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर अटकेंगे, यहाँ पर गलत कर सकते हैं। एक थोड़ा सा दिमाग लाएंगे कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर के उल्टा चलता है यार, ठीक है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ऑब्जर्व का, तो कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है भाई, इस केस में ज़्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व, राइट। यहां पर अगर बात करें तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आने वाला है भाई, यहां पर ज्यादा आने वाला है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जांपल क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं। नेगेटिव डिविएशन को कौन कौन फॉलो करता है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, ये नेगेटिव डिविएशन को फॉलो करते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, इन्हें हमको याद नहीं करना है, इन्हें समझ लेना है। अगर समझ लिया है ना, तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, रटना नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई हमारे पास, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उन दोनों के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, ये ध्यान रखना है। चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, दोनों के लिए ही डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होने वाली है, मतलब पॉजिटिव आने वाली है उसकी वैल्यू, एंड डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, लेस देन जीरो, डेट इज नेगेटिव आने वाली है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, ग्राफ्स आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, राइट। हमने ऐसा ग्राफ पहले भी बनाया हुआ है, राइट, राउड लो में बनाया था। यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड मॉल फ्रैक्शन में। यहाँ पर मॉल फ्रैक्शन एक्स ए के जीरो हैं, एक्स बी के कितने होने वाले हैं, वन होने वाले हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स बी के मोल्स धीरे धीरे मॉल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्स ए का बढ़ रहा है, और यहाँ पर आने पर एक्स ए के मॉल फ्रैक्शन वन हो चुके हैं और एक्स बी के कितने हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। यहाँ पर जब एक्स ए जीरो था, एक्स बी वन था, राइट, तो पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर आने वाला है, पी नॉट, ठीक है, पी नॉट बी के बराबर आने वाला है, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो पी नॉट भी क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है। एक्स ए बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स ए बढ़ रहा है वैसे वैसे, ठीक है, ए का, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम पी नॉट ए तक जा सकता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आने वाला है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा आने वाला है, ए का ज्यादा आने वाला है भाई, राइट, बी का ज्यादा आने वाला है, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आने वाला है भाई, ज्यादा आने वाला है। ये ध्यान रखना है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये जो आ रहा है रेड वाला, वो क्या है भाई, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउड स्लो। सेकेंड केस अगर देखें, ठीक है, नेगेटिव डिविएशन के केस में, नेगेटिव डिविएशन के केस में क्या आने वाला है भाई, वेपर प्रेशर कम आने वाला है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है, ठीक है। ई का क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है, कुछ इस तरह से आने वाला है, बी का कम होने वाला है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कम आने वाला है। जो मैंने ब्लू से बनाया है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव डिविएशन को फ्रॉम राउंड लो से। ये ध्यान रखना है कि जो ब्लैक डॉट से बनाया हुआ है, ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है, वो आइडियल सॉल्यूशन को बता रहा है, रेड मार्कर से पॉजिटिव डिविएशन को, एंड ब्लू मार्कर से
नेगेटिव डिवीजन को। ठीक है, इस तरीका हमारे पास एक ग्राफ आने वाला है, ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल के केस में। ये ग्राफ उल्टा भी बना सकता है, ठीक है, अगर वो ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन में बनाए तो ये उल्टा आने वाला है। आइडियल के लिए तो सेम आने वाला है, ठीक है, नॉन आइडियल के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो यहां पर पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट, और जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, कम है। ठीक है, तो इस तरह का एक ग्राफ बना सकता है। बॉइलिंग पॉइंट का आया नहीं है, अगर आएगा तो बना लेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ आज हमने खत्म करा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक से, ये ध्यान रखना है। ज्यादातर जो चांस बनेंगे वो बनेंगे भाई एग्जांपल पर, एग्जांपल पर ज्यादा फोकस करना है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करना है, और तीसरा एमसीक्यू यहां से बन सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, आपके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होने वाला है भाई, ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, और फोर्थ ग्राफ पर बनेगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आज हमने कवर्ड कर लिए हैं इस वीडियो में, इतना ही। लेकिन जाने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।